अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग खैर से होंगे। आप देख रहे हैं हमारा चैनल सनराइज किचन एंड व्लॉग से। तो आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं लौकी के कोफ्ते, जो कि आप सभी लोग बनाते होंगे। सबका अलग अलग तरीका होता है बनाने का। तो अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाला नया नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और रेसिपी पसंद आती है तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं लौकी के कोफ्ते बनाना। तो सबसे पहले हम एक लौकी लेते हैं, और लौकी को हमने छीलना है, और छील के इसको कद्दूकस कर लेना है। तो ये ऊपर से कट किया, तो ये बड़ा है, इसको हम तीन टुकड़ों में कट कर लेते हैं। ये आधा केजी है लौकी, लेकिन सब कट कट के इसका जो अंदर का है वो सब निकाल के, तो ये 250 ग्राम या 300 ग्राम बचेगी। तो उसको अब छील लेते हैं। तो ये देखिए, इसको हमने अच्छे से कट कर लिया है और पील कर लिया है। अब इसको हमने बीच में जो इसमें वो होता है, जो बीज होते हैं, उसको निकाल दिया है इस तरह से, बीज से कट करके। अब इसको हम कद्दूकस कर लेंगे। तो कद्दूकस से आप इसको कद्दूकस कर लीजिए। इस तरह से हम कद्दूकस कर लेंगे, बाकी भी टुकड़े इसी तरह से हम कद्दूकस कर लेंगे। ये देखिए, ये कद्दूकस हो चुका है। अब इसको हम, जिसे बहुत सारा पानी होगा तो उसको हम दबा के, एक किसी भी कंटेनर में इसका पानी दबा दबा के निकाल लेंगे। इस टाइप से हम निकालेंगे इसको। ये देखिए, काफी पानी निकल रहा है इसमें से। तो इस तरह से हमें निकाल लेना है पूरे को। ये देखिए, हमने इस तरह से पानी निचोड़ लिया इसका अच्छे से, काफी निकला है, एक कटोरी पानी इसमें निकला है। तो ये कम से कम हमारे पास 300-350 ग्राम ये लौकी के लच्छे हो गए हैं। अब इसमें हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले हम इसमें 1/4 हिस्सा हल्दी डालेंगे, यानी कि टर्मेरिक पाउडर। हल्दी ज़रूर खाना चाहिए, क्योंकि ये एंटीसेप्टिक होती है, तो हर खाने में यूज़ करना चाहिए इसका। अब इसमें हम थोड़ा सा नमक डालेंगे। नमक इसमें अंदर डाल लें, क्योंकि ये कोफ्ते बनेंगे तो इसमें अंदर भी डालना ज़रूरी है, और बाकी मसाले में पड़ेगा। तो ये टेस्ट देख लीजिएगा कि ज़्यादा ना हो पाए, कम या ज़्यादा का आप खुद ध्यान रख सकते हैं। तो इसमें बस हमने 1/4 नमक डाला है। इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च हमने डाली है, 1 चम्मच बस। और ये हमारा होममेड मसाला है, धनिया, जीरा और मिर्चा भुना हुआ, तो उसको डालेंगे। इसमें भी 1/4 हमको डालना है, ज्यादा नहीं डालना है। एक कटोरी बेसन, ये छोटी कटोरी यानी कि 100 ग्राम तक बेसन होना चाहिए इसमें। तो ये बेसन ऐड करेंगे। इसमें हम एक हरी मिर्च है जो बारीक चॉप कर ली है, उसको डालेंगे। थोड़ा सा धनिया डालेंगे अंदर कोफ्तों के, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है अंदर का। 1/2 चम्मच हम लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें डालेंगे। तो ये देखिए, अब इसको आपस से मिक्स कर देंगे। तो ये देखिए, कोफ्ते बनाने का जो मिश्रण है वो तैयार हो चुका है। मतलब कि अब इसको हम तेल गरम करते हैं,
और चलते हैं हम लोग गैस की तरफ। तो तेल हमारा गर्म हो चुका है और हाई हीट पे है। ये गर्म हो जाने के बाद हम इसको मीडियम टू स्लो कर देंगे फ्लेम को। तो चलिए कोफ्ते हम बना लेते हैं। इस तरह से हम छोटे छोटे बाउल बना लेंगे और उसको फ्राई कर लेंगे। फ्लेम को हमने स्लो कर दिया है तो बस शुरू कर दिया। तो इस तरह से हम थोड़े थोड़े कोफ्ते डालते जाएंगे, उनको फ्राई करते जाएंगे और 2 से 3 मिनट तक नीचे का हो जाने के बाद उसको पलट देंगे। तो ये देखिए हमने हल्के हाथों से उनको पलट दिया है। अब इसी तरह से उधर भी हो जाएंगे, फिर इनको पलट के निकाल लेंगे हम। तो ये देखिए अच्छे से हो गए हैं, अब हम इनको बाहर निकाल लेते हैं। तो इसी तरह से दूसरा भी बैच हम ऐसे बना लेंगे, फ्राई कर लेंगे। तो सारे हमारे कोफ्ते फ्राई हो चुके हैं। इसमें से एक्स्ट्रा जो तेल था वो हमने निकाल लिया, बस इसमें 2 बड़े चम्मच हमने तेल छोड़ दिया है। तो तेल गर्म ही है, अब इसमें हम ज़्यादा नहीं, थोड़ा से इसमें 2-4 दाने या 10 दाने हम मेथी के डालेंगे। एक चॉप प्याज डालेंगे, तो प्याज को हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। तो प्याज ब्राउन हो चुका है, अब हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करते हैं। तो इसमें 1 चम्मच हम लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करते हैं। लहसुन अदरक को 1 मिनट भूनने के बाद आप इसमें 1/2 चम्मच हल्दी का पाउडर डाल लीजिए। ये देखिए इसको भी फ्राई करेंगे इसी के साथ। 2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्ची डालेंगे इसमें, इससे कलर बहुत अच्छा आता है। एक चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे भरकर, और प्याज और मसाला जल जाए तो हम इसमें छोटी कटोरी से पानी डालेंगे। तो ये देखिए थोड़ा सा पानी डालते हैं, मसाले ज़्यादा जल जाएगा। अब इसमें हम टमाटर 2 बड़े साइज के ऐड करेंगे चॉप किए हुए। तो ये टमाटर हम ऐड कर दे रहे हैं इसमें, क्योंकि इसको भी सॉफ्ट होने में टाइम लगेगा। तो इसी मसाले के साथ डाल देते हैं। थोड़ा सा नमक ऐड करते हैं, क्योंकि कोफ्ते के अंदर नमक हमारा ऐड है, तो हमको अपने जायके के हिसाब से। तो ये 1/2 चम्मच से कम हम नमक डाल रहे हैं इसमें, आप अपने जायके के हिसाब से रखिएगा, क्योंकि टमाटर से बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं। अब इसको हम कवर कर देंगे 2 मिनट तक, ताकि हमारे टमाटर सॉफ्ट हो जाएं। तो टमाटर हमारा सॉफ्ट हो चुका है अच्छे से, अब हम इसमें कुछ और मसाले ऐड करेंगे। तो हम थोड़ा सा गरम मसाला इसमें डालते हैं 1/2 चम्मच, जो कि होममेड है। इसका भी वीडियो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, मतलब वीडियो इसका पड़ा हुआ है। तो 1/2 चम्मच हम गरम मसाला डालेंगे, थोड़ी सी कसूरी मेथी डालेंगे इसको हम अच्छे से हाथों से मसल करके डालेंगे, इससे अच्छा बहुत अच्छा फ्लेवर आता है कोफ्तों में। ये 3 हरी मिर्च ली हुई है, जिनको हमने स्लाइस में कट कर लिया है, इसको भी मिक्स कर देंगे। अब मसाला हमारा अच्छे से भून चुका है, तो अब हम इसे पानी ऐड करेंगे, क्योंकि पानी जब हमारा बॉईल हो जाएगा तभी हम कोफ्तों को शामिल करेंगे। अब आपको ग्रेवी कैसी रखनी है, गाढ़ी रखनी है या पतली रखनी है, क्योंकि इससे पानी थोड़ा ज्यादा डाला जाएगा। तो हमने 2 गिलास पानी ऐड किए हैं इसमें, क्योंकि बेसन फूलता ही है, तो आप जितना भी गाढ़ा और पतला रखना चाहें ग्रेवी कर सकती हैं। तो ग्रेवी में हमारा बॉयल हो चुका है, अब हम इसको कोफ्तों को शामिल कर देंगे।
तो इस तरह से हम सारे कोफ्ते शामिल करते हैं। उसको 5 मिनट के लिए पकने देंगे ताकि सारे मसाले कोफ्ते में मतलब अच्छे से मिक्स हो जाए। तो ये कोफ्ते शामिल कर दिए। तो कोफ्ते हमारे तैयार हो चुके हैं, गैस को हमने ऑफ कर दिया है। अब इसमें हम थोड़ी सी धनिया डालेंगे गार्निश के लिए। तो रेसिपी आपको कैसी लगी है आप ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताइएगा और एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।